किसी की जान भी खतरे में रहती है, कुछ कह नहीं सकते, कितना परेशानी झेलना पड़ता है। ये देखो इसको हल्दी लगवा दी है, थोड़ा सा पानी रख दो उसमें, थोड़ा चावल और रख रखे, ठीक है? नहीं चावल नहीं खाती, इसकी मैयत खाएगी। देखो सब चीज़ें यहाँ पर भी नहीं है, बैठी रहने दो। सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। सो दोस्तों, ये हमारी जन्माष्टमी की वीडियो है, थोड़ा लेट हो गई है, एडिट ना करने की वजह से हमारी वीडियो अक्सर लेट ही पहुँचती है। आप लोग हमारा सहयोग करें, जो चैनल पर नए आते हो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो ज़रा भी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर देना। आगे आप लोग देखेंगे जो प्यारी सी चिड़िया मैंने आप लोग को दिखाया है, बहुत सुंदर है। खैर अब वो नहीं है हमारे बीच में, यहाँ पर बता देती हूँ आप लोगों को। दो दिन तो मेरे बेटे ने उसका पालन पोषण अच्छे से किया, लेकिन उसको काफ़ी चोट आ गई थी, पता नहीं किस जानवर ने मार दिया था, पता नहीं कैसे क्या हुआ था, लेकिन जो है अब उसको भगवान को यही मंजूर था। जो जितने दिन के लिए आता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पशु पक्षी हो, उतने ही दिन इस धरती पर रहते हैं। तो यहाँ पर हमारी हो रही है पूजा, सुबह का सारा काम हम निपटा चुके हैं और पूजा करने के बाद हमें खाना भी बनाना है। एक बार सोचते हैं साफ, मतलब पूजा करके उसके बाद चाय वाय पी के फिर सब लोगों के लिए खाना बनाना पड़ता है, फिर अपने लिए फलाहार बनाना पड़ता है, यही सब रहता है दिन भर। व्रत उपवास में डबल काम हो जाता है बहुत सारा। चलिए तो यहाँ पर हमारी पूजा हमने कहा आंगन में कर लेते हैं, घर में तो हमेशा पूजा करते हैं, तो यहीं पर जो है पूजा कर रहे हैं हम और माँ बेटी। आगे आप लोग देखिएगा, सो हाय एवरीवन, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारी पूजा संपन्न हो चुकी है। अब बेटी लोग पूजा कर रहे हैं, यहाँ पर मेरा जो है कढ़ाई भगवान जी को स्नान करा रही है। उसकी पूजा भैया देखिए कुछ अलग तरीके से, कंघी वगैरह मैंने नहीं किया हुआ है। आप लोग यहाँ पर देखिए मसाला मैं गई थी पीसने मिक्सर में, तो मुझे करंट थोड़ा सा मार दिया, क्या प्रॉब्लम है ये तो मुझे पता नहीं है। चलाए थे मैं आई होगी, उसके बाल सारे घर पे नहीं थी, बहुत ज्यादा जो है। तो मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी, ये नहीं की थोड़ा सा चाय बना के मैंने अपनी बिटिया को पिला दिया, मैंने खुद भी पी लिया चाय और सिंघाना भून के, भी जड़े ही रहे हैं बाल तो खाने के लिए थोड़ा बेटा खा पी लो। उसके बाद आलू उबाल के रख दिए हैं, फलहार के लिए सिर्फ सब्जी बनाने जा रहे हैं। सब्जी में थोड़ा सा मेथी तड़का लगाए हैं और ये किए जन्माष्टमी, बाकी प्याज डाल देते हैं, नहीं रख पाते हैं, पढ़ाई लिखाई का प्रेशर रहता है, व्रत रखना पूजा करना। ये कटोरी जो जली हुई है ना, आप लोग ये मत कहना कि जली क्यों है, इस कटोरी में सिर्फ मैं दाल फ्राई करती हूँ, उसके बाद इसको माँच के रख देती हूँ, बाकी इसका यूज मैं कहीं भी नहीं करती हूँ। सो एक बार फिर से मैं रियल रूटीन डेली का शेयर करने की कोशिश करूंगी आप लोगों के साथ। कृपया आप लोग मेरा सहयोग करें, मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहा करें। हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अम्मा आलू काट रही हैं, मेरा तड़का यहाँ पे हो रहा है, आलू उबाल के यहाँ पर हमने आलू उबाल के रखा हुआ है। ये देख लीजिए थोड़ा सा दूध जो है ख़राब हो गया, इसका खोया बना रहे हैं बच्चे के खाने के लिए। हम फेंकेंगे नहीं, थोड़ी शक्कर डाल के रबड़ी टाइप का बना देंगे ना, तो भैया खा जाएगा। यहाँ पर इसको बना रहे हैं, ये रहा सिंगदाना भूज के रखे हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। यहाँ पर मेरा चावल पक गया है फैमिली, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ना, मेरे यहाँ लाइट अब जा चुकी है, मुझे सब्जी चूल्हे पर बनाना पड़ेगा। यहाँ पर मेरा पक रहा है थोड़ा सा खोया खाने के लिए जो है, अब घर पे थे नहीं तो दूध थोड़ा इधर उधर हो गया था। तड़का हो गया है, मसाला और क्या बोलते हैं इसको पटर एक साथ फ्राई करेंगे। वैसे अलग तरीके से बनता है, पहले पटर को फ्राई करके निकाल लिया जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम
दोनों को ना अगर आप साथ में अच्छे से भून देते हैं ना, कम से कम 15-20 मिनट तक दोनों चीज़ें साथ में पक जाती हैं। और ज़्यादा पटर रहे तो फिर नहीं भूनना चाहिए। हमारे यहाँ 3 लोगों का बना रहे हैं, इसके लिए इस तरीके के बना रहे हैं। चलिए फिर सब्जी बना लेते हैं, उसके बाद रोटी बनाना है, फलहार बनाना है। मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। एक चिड़िया जो है बहुत परेशान है, क्या ही बताऊँ। कैसे लगाएटी ला जाता ना, बढ़िया होता। दूर से खाओ, उसे खाओ कहते यहाँ पे ना, इसको चींटी लग गई है। अरे मतलब चोट लगी है, आँख में जादू करे दे रहे। अरे आँख में ही जाएगा, तैनिया उड़ जाता, उड़ जाता। पकड़ा तो हम लगाई है? हम लगाई पकड़ा, रोकी है। ला लगाओ जल्दी से, लगा दो। अरे उड़े, कोशिश कर दो। लगा लगा जल्दी, तुम बताइए। हमारे उंगलियाँ छोड़े या पकड़े। आप देखा ना, भैया से हल्दी लगवा रहे हैं इसको। बहुत परेशानी है, बेचारी उड़ नहीं पा रही है। पानी यार सूख गया, पानी ला कर रख दो, और थोड़ा चावल और रख दो यहाँ पे, उसको खिला देगी। ठीक है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैंने सोचा ब्लॉग का एंड कर देते हैं। क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी क्या कहते मना देंगे। मैं ससुराल में हूँ, और मेरे यहाँ भैया देखिए गाँव में भी कोई नहीं मनाता है, मतलब पूजा नहीं करवाते हैं। हमारे मायके में तो बहुत पहले, जब मैं छोटी थी तब भी वहाँ पर बैठाया जाता था और पूजा होती थी 12 बजे तक। सारे लोग, मतलब गांव में किसी के घर भी रहता था तो सारे लोग इकट्ठे होते थे। अब तो मेरे घर में ही बैठाते हैं। इस बार तो पता चला कि एक दिन जो है सालू के यहाँ था और दूसरे दिन बड़े पापा के यहाँ था। 2 दिन होता है ना जन्माष्टमी, तो दोनों घर अच्छे से मनाया गया है, लेकिन यहाँ पर कोई मनाता ही नहीं। और मेरे पास कन्हैया ने इतनी मुद्रा ही नहीं दी है कि मैं उनकी व्यवस्था कर पाऊँ। फिलहाल के लिए जो भी दिया है ईश्वर ने, बहुत दिया है, कुछ भी नहीं। ठीक है, कभी समय लगा तो मैं भी कोशिश करूँगी। और रात्रि के बज रहे हैं, कितना बज रहा भैया देख के बता देते हैं सही टाइम। और मैं वही सब्जी बना रही थी, उसके बाद फिर आगे का मैं नहीं बना पाई। फलहार के अभी सेब लाए थे बिटिया के लिए, आलू उबाले थे, तो उसमें क्या ही दिखाते आप लोगों को। सिंगदाना वगैरह डेली का वही रहता है हमारा पूजा पाठ में, कुछ अलग करो तो दिखाओ। तो अलग क्या है, मैं कुछ लेके आई थी, बहुत ही अच्छा अच्छा सामान है, तो मैंने सोचा लास्ट में आप लोगों को दिखा के और एंड कर देते। 9 बज गए हैं, कुछ और वीडियो बनाना है मुझको चैनल के लिए। तो कुछ सामान लेके आए हैं, आप लोग देख लीजिए सामान हमारा कैसा है। जो लोग लास्ट तक देखेंगे कॉमेंट करके जरूर बताएंगे। और जन्माष्टमी आप लोग कैसी रही कमेंट करके हमें बताइएगा। भैया हमारा तो नॉर्मल तरीके से बस घर में हम और हमारी बीटी पूजा पाठ करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि लाइफ अच्छी रहे, तकलीफ ना रहे। लेकिन तकलीफ तो मैं ऊपर वाले से लिखवा के आई हूँ, मेरा स्वास्थ्य नहीं सही रहता है, इसलिए मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि मालिक धन दौलत थोड़ा कम ही देना, लेकिन स्वास्थ्य सही रखना, ताकि मैं दूसरों का भी कर पाऊँ और खुद का भी देखभाल कर पाऊँ। यहाँ पर देखिए मैं लेके आई हूँ गिलास है ये चाय के लिए, जो कि मुझे अच्छी लगी। एक साइज का है तो 6 एक तरफ का है, 2 एक तरफ का है, मतलब एक साइज का है, तो ये ले लिए हैं। गिलास है, फटाफट से दिखा दें गिलास कैसी है, आप लोग बताइएगा जरूर। देख लीजिए बहुत प्यारे लग रहे हैं मुझे तो। अभी यूज नहीं करेंगे, यूज करने के लिए बहुत सारा बर्तन निकाले हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अपने घर की रस्ती थोड़ा थोड़ा करके सजो के रखूँ। और ये इसको लिए जो कि मेरे घर में है, 2 है, फिर भी कभी कभी ज़रूरत पड़ती रहती है 2 से 3 की, तो मैदा छानने वाली चलनी है। ये बहुत अच्छी है, सुंदर है ये भी। और एक ये है सब्जी छानने के लिए भगोना, और एक लिए थे आप लोगों को दिखाए नहीं, उसको अकेला ही लिए थे तो क्या ही दिखाती उसको मैं। खाना बनाने के लिए वो थोड़ा थाली जैसा है, गहरा है, मेरी फैमिली का हो जाता है। इसमें सब्जी छानने के लिए बहुत अच्छा, आप देख सकते हैं जाली बना हुआ, सब्जी छान के आप रख सकिए। ये हो गया। और सबसे अच्छा और बहुत बढ़िया सामान जो ये है रील का बॉक्स जो मैंने क्या है। इसमें 24 रील का तो दिया गया है, लेकिन कम से कम मेरे हिसाब से 30 रील मैंने एडजस्ट किया हुआ है। मैं आप लोगों को खोल के इसे दिखा देती हूँ, बहुत प्यारा है। 70 रुपये बोला तो मैंने 50 रुपये इसको दिया। वैसे मैं जो है पैसे छुड़वा लेती हूँ कह सुन के। ये है, आप यहाँ पर इंची टेप वगैरह रख सकते हैं और सुई रख सकते हैं। तो ये पहला पार्ट है, इसको बंद कर दिया मैंने। अब दूसरा पार्ट खोल के दिखाते हैं आप लोगों को, आप लोग देख सकते हैं। ये है, इसमें हम बटन वगैरह रखें, चौक रखें कट करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर अंदर में रील को सेफ्टी रख सकते हैं। बहुत ही प्यारा बॉक्स है ये। तो यही सामान लिए थे जब अम्मा को लेके हम गए थे जो है, तो वहाँ तो ननद के यहाँ रात में थे, रात में रहते थे, वहीं पर रहते थे। तो सुबह के टाइम ये आ गया था, मैंने देखा, मैंने कहा ले लेते हैं, चीज़ें अच्छी हैं।
और यही सब ले लिया था। वीडियो आप लोग को हमारी कैसी लगी, ज़्यादा बात नहीं करना, बस सामान दिखा के कमेंट करना था। कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो लोग चैनल पर नए आते हो सब्सक्राइब कर लेना, मेरी भी थोड़ा थोड़ा हेल्प कर दीजिए। मेरे वीडियो को अगर आप 10 मिनट के 5 मिनट देख लेते हो या 2 मिनट तो भी मेरे लिए बहुत हो जाता है। नए हो तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। गुड नाइट, बाय।